बनारस दिल्ली इलाहाबाद जैसे शहर में रहकर पढ़ाई करने का कितना खर्च आता है, ऐसा प्रश्न तो सभी के मन में आते हैं और खासकर ऐसे बच्चों के मन में जरूर आते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पेरेंट्स जिनके गार्जियन की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने की संभावना नहीं होती है। और बहुत बच्चे कई बार अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का डिसीजन जो है वो टोटली फीस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर फीस कम है तो एडमिशन ले पाते हैं, फीस ज़्यादा होती है तो एडमिशन नहीं ले पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं और जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर रहेंगे लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाते फीस की वजह से। तो आपके मन में ये जो प्रश्न होगा कि कोर्स की फीस कितनी लगेगी, रहने का खर्च कितना आएगा, खाने का खर्च कितना आएगा, ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वो हम लोग BHU, DU, AU तीनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। मैं आपको कोर्स की फीस भी बताऊँगा, हॉस्टल की भी फी बताऊँगा और ये भी बता दूंगा मैं आपको कि वहाँ पर अगर आप हॉस्टल नहीं रह रहे हो, कहीं बाहर रूम लेके रहोगे तो क्या अप्रॉक्सीमेट आपके खर्च यहाँ पर बैठने वाले हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब कुछ बातों का पहले ध्यान सुन लीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन करूँगा जो कि अप्रॉक्सीमेट फिगर को लेकर होगा, मतलब लगभग वाली बातें चलेंगी। एग्जैक्ट जो डेटा वाली बातें हैं तो वो उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसको देख लीजिएगा। मतलब जो फी स्ट्रक्चर वाली बातें हैं वो वहां से देख लीजिएगा। यहां पर जो मैं आपसे बातचीत करूंगा वो स्पेशली मैं आपसे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट फिगर आपसे मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इस खर्च में एक बात का ध्यान दीजिएगा। एक नॉर्मल मैं आपको एक जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है ना, मैं उस हिसाब से खर्च बताऊंगा। अब कोई अगर लैविश लाइफ जीना चाहेगा कि बनारस आ रहे हैं BHU में एडमिशन हो तो लैविश लाइफ जिएंगे, और उनके कुछ इधर उधर वाले खर्चे हैं, कुछ ऐसे खर्च होंगे जो उनको पता नहीं होंगे, हो सकता है आके बनाएं और फिर उस खर्च को शुरू करें, तो वो वाले खर्चों को मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब आप किसी के साथ हो जाओ, उसके ऊपर आप महीने में 4,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, उसके गिफ्ट दे रहे हो हर 15 दिन पे, तो वो सब चीज़ों का कोई यहाँ पे खर्च इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा BHU की, मतलब अगर बनारस के शहर में आप रहने वाले हो तो खर्च का क्या हिसाब किताब रहने वाला, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कोर्स की फीस की बात करें तो कोर्स की फीस तो काफी कम है, ये बात कर रहा हूं मैं रेगुलर सीट के लिए। पेड सीट में आओगे तो फीस आपकी यहां पर बढ़ जाएगी और जिसका स्ट्रक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले PDF में मिल जाएगा। अब ये जो फीस है 3,000 से 4,000 के अप्रॉक्स में आपकी फिगर फीस रहने वाली है। BA BCOM की फीस 2,500 के अराउंड रहती है और अगर हम लोग बात करें BSc की तो वही लगभग वो 4,000 के अराउंड की फीस रहती है, मतलब 3,000-4,000 के अराउंड की आपकी ये साल भर की यहाँ पर फीस जो है वो रहने वाली होती है। आप ये मान के चलो इसको अगर मैं 3 के बजाय 4 कर दूं तो शायद आपके लिए यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 4,000 के अराउंड आप इसकी फीस यहाँ पर मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये तो कोर्स की फीस हो गई आपकी यहाँ पर। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान देंगे BLLB की कोर्स की फीस जो होती है वो 70,000 के अप्रोक्सीमेट आपकी पड़ेगी और BSc एग्रीकल्चर में 10,000 रुपये की फीस पड़ेगी। बाकी जो कोर्सेज हैं आपके यहाँ पर BA BSc BSc Maths BSc Bio के, वो यहाँ पर 3,000 से 4,000 के अराउंड आपकी फीस यहाँ पर लगने वाली होगी। बाकी मैंने बोला कि एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो इनके यहाँ पर खर्चा हो जाएगी पूरे साल भर की है। ये आपको जो मैंने आपको फिगर बताए हैं ये आपके पूरे साल भर की फीस रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि रहने और खाने का खर्च क्या होगा। अगर आपको BHU का हॉस्टल मिल जाएगा तो आपके रहने का पैसा बहुत बच जाएगा। कैसे? आपके हॉस्टल की फीस 5,000 रुपये 4,800 समथिंग होती है, 4,875 के अराउंड, तो ये आपके साल भर की फीस होगी पर ईयर, ठीक है। तो 5,000 रुपये के आसपास की आपकी फीस होगी साल भर की अगर आप BHU के कैंपस हॉस्टल में रहते हो। और अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो यहीं मेस का खाना खाओगे, अब बाहर आप रेस्टोरेंट खाने की आदत डाल दो तो वो अलग मैटर है। यहाँ के अगर मेस में आप खाना खाओगे तो 3,000 रुपये की खर्चा होगी, 50 रुपये पर डाइट का लगेगा, 2 डाइट आप एक दिन में खाओगे, नाश्ता करोगे तो वो आपका सब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 रुपये एक डाइट होती है तो 50 × 2 = 100, एक दिन का 100 रुपये हो गया, 30 दिन का 3,000 रुपये आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये मेस का चार्ज होगा और ये जो आपका 3,000 पर मंथ रहेगा आपका ये, ठीक है। तो BHU में पढ़ाई बहुत सस्ती हो जाएगी अगर आप BHU के हॉस्टल में रहोगे। अगर हम सर BHU के हॉस्टल में नहीं रहेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पर याद रखिएगा, तब यहाँ पर एक चीज़ होगी, जो आपका रूम होगा ना, अब ये आपका 3,000 पर मंथ में चल जाएगा। अब देखो इसमें वेरिएशन है,
अगर आप लोकेशन वाइज अच्छी लोकेशन पे जाओगे, प्रीमियम रूम लोगे, तो वो 5,000-6,000 का भी जा सकता है सिंगल रूम। अगर आप ऑन एन एवरेज ठीक ठाक अच्छे रूम, मीडियम की बात करूंगा, तो वो 3,000 रुपये में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको 1,500 रुपये में, 2,000 रुपये में भी बहुत आराम से रूम यहाँ पे मिल रहे होंगे। इवन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेकर रहते भी हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपके रूम का, प्लस खाने का डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे खाने, खुद खाना बनाएंगे, खुद बनाएंगे तो वो तो आपके ऊपर कितना आप खर्च करो, लेकिन तब भी मान के चलो कि 2.5K मतलब 2,500 से लेके 3,000 का खर्च तो तब भी आपका आएगा। टिफिन लगवाओगे तो यही रेट आपको पड़ेगा, मतलब आप टिफिन भी लगवा सकते हो तो 50 रुपये पर डाइट ही लगभग पड़ेगी, तो वही 3,000 रुपये के आसपास आपका खाने का खर्च यहाँ पर जो है वो आएगा। तो अगर हम उसमें फिर कुछ कुछ आप नाश्ता भी करोगे, थोड़ी इधर उधर भी खर्चाएं होंगी, कुछ कॉपी किताब पेन इन सब की भी खर्चाएं होंगी, तो अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप ये मान के चल लो कुछ भी करोगे, कितना भी आप कम करोगे, 7,000 रुपये पर मंथ तो आपकी खर्चा होगी ही होगी, ये तो आप मान के चल लो यहाँ पे। अब इसमें आपके ऊपर है, थोड़ा बचत कर लोगे तो वो 6,000 के रेंज में भी आ सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। और यही 7,000-15,000 भी तक जा सकता है। आप बाइक ले लोगे तो आपके पेट्रोल की खर्चा बढ़ जाएगी, तो वो सब अलग मैटर यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक जनरल बात मैंने आपको यहाँ पर BHU के लिए यहाँ पर समझा दिया और बता दिया। DU की बात करें, कोर्स की फीस की बात करें, तो अप्रोक्सीमेट 15,000 है। कहीं कहीं आपको ये 30,000 के अराउंड फीस मिलेगी, कहीं 24,000-20,000, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस होगी अलग अलग कॉलेजों की। ये मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट फिगर दिया हूं कि 12,000-15,000 के अराउंड फीस होती है। किसी किसी कॉलेज में जैसे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की फीस है तो वो हाई होगी, कहीं कहीं 29,000-30,000 तक की भी फीसें हैं। ठीक है, वो तो आपके कॉलेज और वहां के उस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो तो मैं पहले से नहीं क्लियर कर सकता। हाँ, फीस स्ट्रक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एग्जैक्ट आपको। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की फीस 15,000 के अराउंड है, 12,000-15,000 के अराउंड आपकी फीस होगी यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए, अगर अच्छा ये जो कोर्स की फीस बताई जाती है ना, वो आप ये जान लो कि वो हम लोग साल भर की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, अगर हम हॉस्टल की फीस की बात करें यहाँ पर, तो देखो DU में क्या है कि DU के कैंपस के हॉस्टल, मतलब DU के अपने हॉस्टल्स की संख्याएं बहुत कम है। जो कॉलेजेस हैं, बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पर हॉस्टल ऑफर करते हैं, मतलब हॉस्टल्स वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर करते भी है तो मैक्सिमम तो वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल्स की संख्याएं बहुत कम है, लगभग ना के बराबर ही आप मानो। और उन हॉस्टल्स की फीस काफी ज्यादा है, जो कि 70,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक की फीस पड़ेगी। ये आपके इंक्लूडिंग यहां पर मेस का ही चार्ज है आई थिंक। ठीक है, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं, लेकिन हाँ ये आपका यहां पर जो वो इंक्लूडिंग मेस का भी है। ठीक है, अब ये तो हो गया 70,000 से 1,20,000 रुपए का। तो हॉस्टल्स इतने महंगे हैं कि बच्चे यूजुअली प्रिफर नहीं करते हैं। बच्चे जो है वो बेसिकली यहां पर बाहर के रूम्स को लेकर ही प्रिफर करते हैं। अगर आप खुद से रूम ले, मतलब रूम लेकर आप जो है वो खुद से खाना वाना बना रहे हो, तो लगभग 7,000 रुपये के आसपास की खर्च आएगी। और अगर आप हॉस्टल या पीजी ले रहे हो तो 10,000-12,000 रुपये की खर्च आएगी। अब ये भी बात याद रखना कि DU में भी लोकेशन वाइज डिपेंड करेगा। अब आप नॉर्थ कैंपस के आसपास कहीं रहोगे तो पक्का है कि वहां पे आपके रूम्स भी महंगे होंगे, हॉस्टल भी, पीजी सब आपका महंगा हो जाएगा वहां पे। कहीं थोड़ा पीछे रहोगे तो हो सकता है कि आपके वहां पे रूम की कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाए, लेकिन तब भी आप ये होगा कि बनारस शहर से तो आपका दिल्ली शहर जो होगा वो महंगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ वहां पे खर्च रहने वाले होंगे। और बाकी आप ये मान के चल लो कि 8,000-10,000 रुपए की खर्च तो आने ही वाली है पर मंथ आपकी यहां पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, AU की, तो AU की कोर्सेज की जो फीस होती है वो लगभग 4,000 के राउंड है आपकी यहाँ पर। बस BLLB को अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसकी 50,000 रुपए फीस है पर ईयर, बाकी तो 4,000 रुपए फीस है यहाँ पे। हॉस्टल की फीस की अगर मैं बात करूंगा तो हॉस्टल्स AU प्रोवाइड करता है, अच्छी खासी संख्या में भी इनके पास हॉस्टल्स हैं। हाँ ये है कि अब सीट्स बहुत ज़्यादा हैं AU में, तो सीट्स के कंपैरिजन में तो हॉस्टल में कम सीट्स हैं, लेकिन कोर्स की सीट्स के कंपैरिजन में भले कम है लेकिन हॉस्टल की सीट्स काम भर की हैं। DU की तरीके से नहीं है कि हॉस्टल्स ही बहुत कम है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग हॉस्टल की फीस यहाँ पर लगभग 15,000-20,000 रुपए की आसपास यहाँ पर आपकी पड़ती है। कुछ हॉस्टल्स की 24,000-25,000 रुपए की भी फीस यहाँ पर पड़ेगी, बाकी 15,000-20,000 के अराउंड आएगी। मेस का चार्ज जो होगा वो यहाँ पर 3,000 के अप्रॉक्स आप यहाँ पर भी मान के चलेंगे।
ठीक है, तो ये आपके हॉस्टल, और बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बाहर के रूम की बात करें, अगर हॉस्टल नहीं मिला तो ये रूम आपका बहुत आसानी से 1500 से शुरू करिए आप। अब ये आपके एक स्टैंडर्ड के ऊपर है, वो 4000 तक आपको रूम यहाँ पर बड़े आराम से मिल रहा होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। और खाने का आप यही 3000 रुपए ही लेके चलो पर मंथ की, 3000 से 4000 रुपए की, ठीक है। अब बाकी डिपेंड करता है आपकी शौक और आपके खाने का पैटर्न, वो अलग मैटर होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, एक जनरलाइज्ड में मैंने बात किया। बाकी कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है या हॉस्टल के जो फी स्ट्रक्चर हैं, वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेटा मिल जाएगी, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो हमने आपको अपने यूनिवर्सिटी यात्रा के वीडियोज़ में दिया भी है। तो चाहो तो वहाँ से देखो, चाहो तो यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। कुछ और मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।